सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, जैसे भी हो जल्दी से कमेंट करो। तो जब मैं आज सुबह सुबह उठा, मुझे एक न्यूज मिली पठान के ट्रेलर से रिलेटेड। उसमें बताया जा रहा था कि पठान ट्रेलर की रन टाइम 2 मिनट 37 सेकंड होने वाली है, और मैं ये न्यूज सुनते ही छानबीन करना शुरू कर दिया। फिर जाके मुझे पता चला ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये पूरी की पूरी फेक न्यूज है। मतलब कि मैं वहीं पे शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो छोटे यूट्यूबर होते हैं वो व्यूज पाने के लिए कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, मगर इस अपडेट को बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी कवर कर रहा था। चलो वो सब छोड़ो, एक्चुअली में ये क्यों फेक है ये बताता हूँ। तो ट्विटर पे एक पेज है जिसका नाम है ऑल वेयर्स बॉलीवुड। उसके पेज में पठान से रिलेटेड एक अपडेट आई थी। पठान का फर्स्ट सॉन्ग का नेम क्या होगा ये किसी भी यूट्यूबर को पता नहीं था। तभी ऑल वेयर्स बॉलीवुड में मेंशन होता है पठान के पहले सॉन्ग का नाम बेशरम रंग होगा, और 15 से 20 दिनों के बाद जब सॉन्ग रिलीज होती है तब उसका नाम यही होता है। इसी तरह आज सुबह सुबह ये पेज फिर से मेंशन करता है पठान का ट्रेलर इसने देख लिया है और इसका रन टाइम 2 मिनट 37 सेकंड होने वाला है। और तो और शाहरुख खान की 15 सालों के भीतर जितने भी मूवी आई है सारे ट्रेलर से ये ट्रेलर पूरी बेस्ट है। इसका पहला अपडेट बिल्कुल सही था, इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी इसके टॉपिक को कवर किया है। मगर मैं बता दूं कि ये अपडेट बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। अगर ये ऑफिशियल नहीं है तो ये फेक न्यूज हुई ना। तो आज के लिए इतना ही। पठान से रिलेटेड इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।